यात्रा। करंट अफेयर्स हेडलाइंस। विश्व में 2 अरब लोग दूषित पानी पीते हैं, WHO। पंकज अडवाणी ने एशिया बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब जीता। विश्व की सबसे उम्रदराज महिला एमा मोरानो का निधन। पतंजलि ने चंडीगढ़ में पौष्टिक रेस्टोरेंट आरंभ किया। फोर्ब्स की अंडर 30 सुपर अचीवर्स लिस्ट में 53 भारतीय शामिल। राष्ट्रपति इंद्रोगान ने जीता तुर्की जनमत संग्रह। रोड्रिग दुतर्ते टाइम्स 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में प्रथम स्थान पर। नेपाल और चीन के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू। विश्व में 2 अरब लोग दूषित पानी पीते हैं, WHO। दूषित पानी से पैचेस, हेजा, टाइफाइड और पोलियो का खतरा बढ़ रहा है। इसके साथ ही इंटेस्टाइनल वॉर्म्स, आंतों के कीड़े और ट्रेकोमा जैसे रोग भी बढ़ रहे हैं। दूषित पेयजल के मामले में भारत की स्थिति सबसे अधिक चिंताजनक है। पंकज आडवाणी ने एशिया बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब जीता। 16 बार के विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी ने सौरभ कोठारी को हराकर 7वां एशिया खिताब हासिल किया। पंकज आडवाणी ने पहला पेशेवर बिलियर्ड्स विश्व खिताब वर्ष 2009 में जीता था। पंकज आडवाणी ने 2008 में 9 बार के चैंपियन मार्क रसेल को हराकर विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप की प्रतियोगिता जीती थी। विश्व की सबसे उम्रदराज महिला एमा मोरानो का निधन। एमा मोरानो का निधन इटली के वर्बेनिया नामक स्थान पर उनके घर में हुआ। वो 117 वर्ष की थीं। उन्होंने अपने जीवन काल में 2 विश्व युद्ध, आर्थिक महामंदी, फासीवाद, वेटिकन के 10 पोप और अपने देश की 90 सरकारें देखी थीं। एमा की मृत्यु के बाद जमैका की वॉलेट ब्राउन विश्व की सबसे बुजुर्ग महिला बन गई है। पतंजलि ने चंडीगढ़ में पौष्टिक रेस्टोरेंट आरंभ किया। बाबा रामदेव संचालित पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में कदम रखा है। पतंजलि ने चंडीगढ़ के नजदीक पौष्टिक नाम से अपना पहला रेस्टोरेंट आरंभ किया। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के डाटा के अनुसार पौष्टिक रेस्टोरेंट प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर राजपाल सिंह और जसपाल सिंह है। फोर्ब्स की अंडर 30 सुपर अचीवर्स लिस्ट में 53 भारतीय शामिल। फोर्ब्स ने 10 श्रेणियों में 30-30 शिखस्यतों की सूची जारी की, अर्थात सूची में मनोरंजन, फाइनेंस, रिटेल, वेंचर कैपिटल, सोशल एंटरप्रेन्योर, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से 300 लोग शामिल किए हैं। इनमें भारत की ओर से दीपा कर्माकर, साक्षी मलिक, आलिया भट्ट आदि नाम प्रमुख रहे। रियो पैरालंपिक खेलों में ऊंची कूद के स्वर्ण पदक विजेता मरियप्पन थंगावेलु को भी इस सूची में स्थान प्राप्त हुआ है। राष्ट्रपति इंद्रोगान ने तुर्की जनमत संग्रह जीता। मतदान में लगभग 51.37% लोगों ने इंद्रोगान के पक्ष में वोट किया, जबकि लगभग 48.63% लोगों ने विपक्ष में वोट किया। इस जीत का परिणाम यह हुआ कि वे अब 2029 तक राष्ट्रपति बने रह सकते हैं। जनमत संग्रह के परिणाम स्वरूप देश में प्रधानमंत्री पद समाप्त कर दिया जाएगा। रोड्रिगो दुतर्ते टाइम्स 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में प्रथम स्थान पर। फिलीपींस के राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते को टाइम्स मैगजीन में सार्वजनिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में पहला स्थान हासिल हुआ। ये सूची टाइम्स द्वारा पाठकों के बीच कराए गए ऑनलाइन सर्वेक्षण पर आधारित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक भी वोट नहीं डाला गया। नेपाल और चीन के बीच पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू। सागरमठ फ्रेंडशिप 2017 नामक 10 दिवसीय ये सैन्य अभ्यास 25 अप्रैल तक चलेगा। इसका आयोजन दोनों देशों की आतंकवाद के विरुद्ध अपनी तैयारी के अंतर्गत किया जा रहा है। साझा सैन्य अभ्यास भारत को असहज कर सकता है, क्योंकि चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है।